हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक पॉल। आज एडवांस एक्सेल की ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ विच इज़ कॉल्ड कस्टमाइज रिबन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडवांस एक्सेल होता क्या है। नॉर्मली हम एक्सेल पे ही काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा टूल हमारे पास यूज़ होता है जो डेटा एनालिसिस करना, डेटा को मेंटेन करना और उसमें से एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का काम हमारे पास करता है। अब इन सारे टूल्स के अंदर हमारे पास एक पर्टिकुलर वर्डिंग यूज़ होती है विच इज़ कॉल्ड एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल एक्चुअल में होता क्या है? नॉर्मली जब हम बेसिक लेवल ऑफ एक्सेल यूज़ करते हैं तो कुछ बेसिक फीचर्स यूज़ करते हैं, बहुत आसान से टूल्स हम यूज़ करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज हम यूज़ करते हैं जिनके थ्रू हम नॉर्मल कैलकुलेशन या डे टू डे लाइफ के काम हम उसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे को रिक्वायर्ड होता है कि हम कुछ एडवांस लेवल पे उसके अंदर करें, मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा मॉडिफिकेशन कर सकें, ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे फॉर्मूलाज का बिल्डअप कर सकें, कंस्ट्रक्शन कर सकें और उनके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सेल को यूज़ कर पाएँ। उनमें से ही एक टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ विच इज़ कॉल्ड कस्टमाइजिंग रिबन। अब रिबन क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि रिबन क्या चीज़ होती है। रिबन नॉर्मली हम जब भी कोई एक्सेल शीट ऑन करते हैं या एक्सेल बुक ऑन करते हैं तो एक्सेल बुक के अंदर हमारे पास आते हैं टैब्स, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा रिव्यू, ये सारे टैब्स हैं हमारे पास। कुछ टैब्स इसके अंदर हमारे पास प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से बने होते हैं, तो वही टैब्स हमारे पास डिस्प्ले करता है। अब नॉर्मली अगर आप बेसिक एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो आपको होम से लेकर व्यू तक के टैब्स ही दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और टैब मेरे पास यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है विच इज़ कॉल्ड डेवलपर टैब। ये एक ऐसा टैब है जो हमें अलग से एक्सटर्नली ऑन करना पड़ता है, या हम कह सकते हैं कि एक्सेल के अंदर हमें ऑप्शंस को इंक्रीज करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है ताकि ये हमारे पास डेवलपर टूल ऐड हो सके। सेम ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि मुझे अपनी चॉइस का भी एक टैब यहाँ पे ऐड करना है, तो वो टैब जैसे ही ऐड होगा तो हर एक टैब के अंदर एक फीचर होता है जो डाउन में यहाँ पे हमारे पास शो कर रहा है। लाइक होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट्स, अलाइनमेंट्स, नंबर, इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग फीचर्स आ रहे हैं यहाँ पे, और ये फीचर्स जो हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं, दिस इज कंप्लीट एरिया इज कॉल्ड रिबन। मतलब मैं इस रिबन को अपनी चॉइस से कस्टमाइज अगर कर सकूँ, अपनी चॉइस से डिसाइड कर सकूँ कि मुझे कौन से टूल्स इसके अंदर रखने और कौन से नहीं रखने, तो वो काम हम करते हैं कस्टमाइज रिबन के अंदर। अब जो प्री डिफाइंड टैब्स हैं उन सब के रिबन्स पहले से बने हुए हैं, मतलब हम इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। इन रिबन्स के अंदर जो भी टूल्स आ रहे हैं वो सब एज इट इज़ रहने वाले हैं, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इवन डेवलपर टूल जो कि इसके अंदर डिफॉल्ट होता है, तो इनके टूल्स भी हम अंदर आने वाले टूल्स को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम अपनी चॉइस का एक टैब बना सकते हैं और उस टैब के अंदर अपनी चॉइस के टूल्स ऐड कर सकते हैं। अब ये अपनी चॉइस के टूल्स क्या होंगे? ऐसा नहीं है कि हम एक्सेल में कुछ नया टूल बनाएंगे और उस नए टूल को उस रिबन में डाल देंगे। हम क्या करने वाले हैं कि हमारे फ्रिक्वेंटली यूज टूल्स, जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ या सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं अपने एक्सेल के अंदर, मैं उन सारे टूल्स को अपनी चॉइस के किसी एक टैब को बनाकर उसके अंदर रख सकता हूँ। अब उससे मेरे लिए इजी हो जाएगा कि अगर सपोज़ मुझे इमेज इंसर्ट करनी है तो मुझे इंसर्ट टैब में जाना होगा और पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, या फिर अगर मुझे मैक्रोस का यूज़ करना है तो मुझे व्यू टैब में जाना होगा और मुझे मैक्रो रिकॉर्डिंग करने का काम करना पड़ेगा, या फिर अगर मैं खुद डेवलप करना चाहता हूँ मैक्रोस को तो मुझे डेवलपर पे जाके उनको मैक्रो को क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐसे चीज़ें इंप्लीमेंट करने के लिए, ऐसे टूल्स इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे हर बार अलग अलग टैब्स पे जाना होगा और उन टैब्स के फीचर को यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अलग अलग टैब्स पे ना जाना पड़े, मेरे पास एक ही टैब हो मेरी चॉइस का और उस टैब के अंदर वो सारी चीज़ें आ रही हो जो मुझे चाहिए, तो वो मैं बना सकता हूँ। अब अगर हम बात करते हैं टैब की, तो टैब का एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन होता है बाय इट्स नेम, और हर टैब के अंदर जो भी हमारे पास रिबन आता है, रिबन को भी फर्दर हम डिवाइड कर लेते हैं इनटू कैटेगरीज विच आर कॉल्ड ग्रुप्स। जैसे कि ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है जो क्लिपबोर्ड से रिलेटेड आ रहा है, ये फॉन्ट ग्रुप है जो फॉन्ट से रिलेटेड सारे चेंजेस दे रहा है, अलाइनमेंट ग्रुप है जो अलाइनमेंट से रिलेटेड फीचर्स दे रहा है। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर टूल्स होते हैं अलग अलग, जिन टूल्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक पूरा कंप्लीट रिबन बनता है। तो कस्टमाइज रिबन में हम अपनी चॉइस का रिबन कुछ इसी तरीके से बनाते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? हमें क्या करना है, हमें फाइल टैब पे जाना है, फाइल के अंदर हमें मिलेगा ऑप्शंस नाम का एक टूल, और इस ऑप्शंस के अंदर जैसे मैं ऑन करूँगा तो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा कस्टमाइज रिबन।
तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, फाइल, फाइल में ऑप्शंस, मैं ऑप्शंस पे जाऊंगा तो एक्सेल ऑप्शंस के अंदर मुझे यहाँ पे अलग अलग फीचर्स मिल रहे हैं, तो इसके अंदर है कस्टमाइज रिबन। अब इस कस्टमाइज रिबन पे अगर मैं व्यू करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को देखने को मिलेगा कि लाइक होम नाम का एक टैब, इसके अंदर है इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड डेवलपर। अब ये प्रीडिफाइंड टैब्स हैं, इसलिए अगर मैं इन प्रीडिफाइंड टैब्स की विजिबिलिटी ऑफ करना चाहता हूँ तो मैं इनका टिक मार्क ऑफ कर सकता हूँ, और टिक मार्क ऑफ करते ही उन पर्टिकुलर टूल्स की विजिबिलिटी हट जाएगी। सी, डेवलपर टूल यहाँ से हट गया है क्योंकि मैंने डेवलपर को वहाँ से ऑफ किया। मैं वापस ऑप्शन में जाता हूँ, मैं दोबारा से कस्टमाइज रिबन चूज़ करता हूँ, तो जो भी टैब मुझे ऑन ऑफ करने हैं वो मैं चूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जितने भी प्री डिफाइंड टैब्स हैं जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने बना रखे हैं, वो टैब्स आप रिमूव नहीं कर सकते, आप इरेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमानेंट है, ये बाई डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार कर रखे हैं। लेकिन हाँ, आप अपनी चॉइस के नए टैब्स बना सकते हैं। अब ये नया टैब कैसे बनेगा, आपके पास चॉइस आ रही है, यहाँ पे बटन आ रहा है न्यू टैब, आप न्यू टैब पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक नया टैब ऐड हो जाता है। अब इस नए टैब को जैसे ही मैंने चूज़ करा, ये कहाँ पे आया था, होम टैब के बाद। अगर आप यहाँ पे सीक्वेंस पे देखोगे, होम के बाद न्यू टैब है, देन इंसर्ट। तो जैसे ही मैं इसको ओके करने वाला हूँ तो एक नया टैब होम टैब और इंसर्ट टैब के बीच में आ रहा है, दैट इज़ न्यू टैब। मैं इस न्यू टैब को चूज़ करता हूँ तो ये न्यू टैब इज़ करेंटली एम्प्टी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, खाली टैब है ये, खाली रिबन हमारे पास जनरेट कर रहा है। दैट मीन्स हम एक नया टैब यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं कस्टमाइज रिबन से। अगेन मैं जा रहा हूँ कस्टमाइज रिबन के अंदर, और कस्टमाइज रिबन में जो मैंने नया टैब ऐड किया था, मैं इसका नाम बदलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक रीनेम का बटन आ रहा है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, मैं रीनेम चूज़ करूँगा और मैं इसको नाम दे रहा हूँ अपने ही नाम से, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो अभिषेक नाम से मैंने एक टैब को अपडेट कर दिया, प्लस मैं चाहता हूँ कि इस टैब को मैं होम टैब से पहले रख दूँ। ओके, तो मैं इस अभिषेक नाम के टैब को सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं माउस से इसको एक स्टेप अप मूव कर दूंगा। मूव अप किया तो वो होम टैब से पहले आ गया है। अब मैं इसको ओके कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली होम टैब से पहले जो टैब आ रहा है, दैट इज़ अभिषेक टैब। क्लियर। अब इसी टैब के अंदर मैं चाहता हूँ कि जैसे बाकी और टैब्स में ग्रुप्स बने हुए हैं, मैं वैसे ग्रुप्स बना सकूँ और उन ग्रुप्स के अंदर अपनी चॉइस के टूल्स ऐड कर सकूँ। तो ऐसा करने के लिए मैं उसी टैब के अंदर, यहाँ पे एक न्यू ग्रुप आ रहा है, मैं इस न्यू ग्रुप को चूज़ करता हूँ, इस न्यू ग्रुप को भी रीनेम कर रहा हूँ मैं, और मैं इसको नाम दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैं इसके अंदर अपने इम्पॉर्टेंटली यूज़ होने वाले टूल्स ऐड करना चाहता हूँ। अब जो भी टूल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है कस्टमाइजेशन के लिए, वो सारे टूल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब इनमें से सपोज़ मुझे फिल्टर्स ऐड और रिमूव ज़्यादा यूज़ करना होता है, तो मैंने इसको इम्पॉर्टेंट टूल्स में ऐड कर दिया। मुझे बॉर्डर्स यूज़ करने होते हैं ज़्यादा, तो मैंने बॉर्डर्स ऐड कर दिया उसके अंदर। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि फ्रीज पेंस मुझे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना होता है, तो मैंने फ्रीज पेंस नाम का टूल ऐड कर लिया। या मुझे पेस्ट स्पेशल बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है, या फिर मुझे पाइवट टेबल बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है। तो ऐसे कुछ टूल्स मैंने ऐड करे। अभिषेक नाम के टैब के अंदर एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप बनाया है, और उस इम्पॉर्टेंट ग्रुप के अंदर ये पांच टूल्स मैंने ऐड कर दिए। और जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो अभिषेक नाम के टैब के अंदर एक नया ग्रुप बन गया है जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट, और उस इम्पॉर्टेंट में वही पांच टूल्स मेरे पास शो कर रहा है। क्लियर। अब ऐसे ही मैं एक और ग्रुप बनाना चाहता हूँ, तो अगेन मैं फाइल पे जाऊँगा, ऑप्शंस। जब हम पहली बार ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप पहले से बना होता है ऑलरेडी, हमें सिर्फ उसको रीनेम करना होता है। लेकिन अगर मुझे दोबारा ग्रुप बनाना है तो मैं ऑलरेडी टैब जो क्रिएट हो रखा है मैं उस पर क्लिक करूँगा, और इसी के नीचे मेरे पास एक बटन आ रहा है न्यू ग्रुप, मैं इस न्यू ग्रुप का ऐड करता हूँ तो ये न्यू ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगेन मैं न्यू ग्रुप को सेलेक्ट करूँगा और मैं इसका नाम बदल सकता हूँ। तो मैंने इसको रीनेम करा कि अब इम्पोर्टेंट टैब्स के अलावा कुछ अदर एप्लीकेशंस है, अदर टूल्स हैं जो मुझे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने होते हैं, तो उसको मैंने नाम दिया अदर्स। अब उस अदर्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादातर यूज़ करना होता है फिल कलर, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभी मेरे को इसको यूज़ करना होता है। ऐसे ही मैक्रोस को प्ले करने का काम, ये भी मुझे कभी कभी यूज़ करना पड़ता है, तो मैंने इसको भी यहाँ पे ऐड कर लिया। या फिर सपोज सॉर्टिंग, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे ज़्यादा मुझे यूज़ करनी होती है, तो मैंने इसको ऐड कर लिया। अब जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ
तो अगेन एक और ग्रुप ऐड हो गया है जिसका नाम है अदर्स, जिसके अंदर फिल कलर, मैक्रोस को इन्वोक करने का काम, मैक्रोस को प्ले करने का काम और सॉर्ट करने का काम, ये तीन टूल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब ऑटोमेटिकली क्योंकि मैंने अपनी एक्सेल शीट पे इसको क्रिएट कराया है, तो मेरे एक्सेल डॉक्यूमेंट में रहेगा या मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रहेगा। दैट मीन्स जब भी मैं इसको क्लोज करूँगा, दोबारा कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑन करता हूँ, तो ये रिबन यहाँ पे एग्जिस्ट करता रहेगा अदर देन प्री डिफाइंड टैब्स। तो ये एक होम अभिषेक नाम का टैब जो होम से पहले आ रहा है, ये मेरे पास एग्जिस्ट करता रहेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि मुझे सेम टैब बार बार यूज़ नहीं करने, तो मैं जब भी चाहूँ ऑप्शंस में जाके दोबारा से कस्टमाइज रिबन करूँगा और जो टैब मैंने विजिबल किया था मैं उसको वापस से ऑफ कर दूँगा और ओके कर दूँगा, तो उसकी एग्जिस्टेंस रहेगी लेकिन विजिबिलिटी हट जाएगी। अब एग्जिस्टेंस रहने का मतलब ये है कि जब भी दोबारा मुझे उसको एक्सेस करना है, मैं ऑप्शंस पे जाके कस्टमाइज रिबन को चूज़ करके उसके टिक मार्क को ऑन करूँगा, तो वापस से मुझे अभिषेक नाम का टैब दिखने लगेगा। लेकिन अगर मुझे ये टैब नहीं चाहिए तो मैं अगेन ऑप्शन में जाऊँगा, कस्टमाइज रिबन, अभिषेक नाम के टैब को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक बटन आ रहा है रिमूव। मैं जैसे ही इस रिमूव पे क्लिक करूँगा ये टैब परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। अब ये उन्हीं टैब्स को आप रिमूव कर सकते हो जो आपने बनाए हैं, जो आपने खुद क्रिएट करे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैब्स हैं दे कैन नॉट बी रिमूव्ड। तो क्लियर है, इससे हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, अपनी चॉइस के टैब्स बना सकते हैं, उनको अपने टूल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमारे मेनली यूज टूल्स हैं उन सबको हम यहाँ पे बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, स्पेशली तब जब आप बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस यूज़ कर रहे हो अलग अलग फीचर्स में जाके, तो उससे बेटर होगा कि आप किसी एक टैब को क्रिएट करो जिसमें आप अपने फ्रिक्वेंटली यूज टूल्स ऐड कर सकते हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट एडवांस फीचर जो हमने आज के सेशन में हमने स्टडी किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख सकें। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करूँगा। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है आपके पास अपडेट आ सके। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।